तो मित्रों, मैं सबसे पहले आपको मेरी एक छोटी सी ड्राइंग है वो दिखाने जाऊंगा। ये मैंने ड्राइंग कंप्लीट की हुई है। इसका डायमीटर 100 mm, यहाँ 1 mm की 45 डिग्री में चैम्फर मारी हुई है। इसकी लेंथ माने तो 100 mm है। तो आज हम इसका कंप्लीट प्रोग्राम मशीन पे रन कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो मित्रों, एंड तक वीडियो पूरा देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। हाँ तो मित्रों, हम सिनमेरिक 800 DT में देखेंगे। हमारा मशीन है, मशीन ऑन करके वीडियो से रिलेटेड आपके लिए आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या हमारे सोशल मीडिया पे जाके वहाँ मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। हाँ तो मित्रों, यहाँ से हम पहले मशीन को रेफरेंस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से तो मित्रों पहले मैं मेरा प्रोग्राम बना के रेडी करता हूँ। ठीक है, हाँ तो मित्रों पहले हम प्रोग्राम के बारे में थोड़ी डिटेल ले लेते हैं। सिंपल प्रोग्राम है। तो मित्रों, मैंने इसमें 2 पिन का यूज किया हुआ है। पहला टूल हमारा रफिंग का है, जिसमें मैं 1.2 की इंसर्ट यूज करूँगा। ठीक है, इसमें मैंने RPM 100 700 दिए हुए हैं, वो G95 में चला गया। ठीक है, और 100 mm का डाया, इसलिए हमने 102 mm के 2 mm ऊपर रखा है, और फेस में हमने 2 कट लगाई हुई है। ठीक है मित्रों, और ये हमारा फाइनल का टूल है 2 नंबर का, ये मैंने G96 दिया हुआ है इसमें, और S200 लिमिट इसकी 700 RPM रखी है, M03। ओके, इसको भी मैंने 2 mm प्लस में रखा है, और ये फाइनल है तो 600 से मैंने पहली कट लगा दी है। यहाँ 135 का एंगल दिया हुआ है। ठीक है मित्रों, और जेड में मैंने 50 mm जाने दिया है, क्योंकि 2 सेटअप हो गए तो पहले सेटअप में मैंने 50 mm ही रखा है। ठीक है मित्रों, और आप लास्ट में M05 स्पीड स्टॉप, M09 कूलेंट ऑफ, ठीक है, M30 दे दिया। तो ये प्रोग्राम को हम हमारे मशीन में रन करेंगे। ठीक है, ठीक है, और फिर हम टूल सिलेक्ट करेंगे। पहले नंबर पे हम TNMG का यूज करेंगे, 1.2। ठीक है मित्रों, इसमें रेडियंस हमें चाहिए 1.2, इंसर्ट थिकनेस हमें चाहिए 4 mm, और इसकी लेंथ हमें चाहिए 16 mm। ठीक है, ऐसा मटेरियल कौन सा है, हाई स्पीड स्टील ही रखते हैं। ओके, ऐसे ओके दे देंगे। ये है 2 नंबर मित्रों। ओके, ये तो मित्रों हमारा टूल यहाँ पे लग चुका है। ठीक है मित्रों, और हम फाइनल का टूल डालेंगे, उसमें भी हम TNMG का यूज करेंगे, यहाँ से एडिट करेंगे। उसका कॉर्नर रेडियस हमें चाहिए 0.8। ठीक है, थिकनेस उसकी 4 होगी, और लेंथ उसकी 16 होगी। हम यहाँ से लेफ्ट हैंड टूल का यूज करेंगे। ओके मित्रों,
यहाँ से 8 to 2 टूल, टूल सिलेक्शन 2, ये हमारे 2 नंबर का भी टूल आ गया जिसमें की 0.8 की इंसर्ट दी हुई है। ओके, अब यहाँ से ऑफसेट में चाहिए गए। मित्रों एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आपने प्रोग्राम में G42 का यूज किया है जिसके बारे में आपको नहीं पता, तो हम आगे के वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि G41 और G42 का यूज कैसे होता है। ठीक है, तो जब भी हम G41 और G42 का यूज करते हैं तब हमें यहाँ ऑफसेट में रेडियस डालनी होती है। ठीक है, अगर विदाउट आप G41 या चला रहे हैं तो आप कॉर्नर की रेडियस नहीं डालेंगे तो भी चल सकता है। और प्रैक्टिस के लिए हम जब भी प्रोग्राम रन करेंगे, सेटिंग करेंगे, तो हम विथ कॉर्नर रेडियस डाल के ही प्रोग्राम को रन करेंगे। ओके, तो यहाँ एक नंबर का टूल हम ले लेते हैं, उसके रेडियस में हम 1.2 डाल देंगे क्योंकि हमने एक नंबर के टूल में 1.2 का यूज़ किया। ओके, और नीचे आएगा तो इसमें हमने कौन सा यूज़ किया था, तो 0.8 का इंसर्ट। ओके, जो कि हमारा फाइनल टूल है, तो ये हमारा फाइनल का टूल आ गया है जिसमें 0.8 और अब में 1.2। ओके, तो मित्रों हम क्या करेंगे, हमारा प्रोग्राम तो रेडी हो चुका है पर अभी हम सेटिंग करना चालू करेंगे। ओके, सबसे पहले हम ऑफसेट लेंगे। ओके, ऑफसेट इसमें लेने के लिए क्या करेंगे, हमें पहले वर्क पीस चाहिए होगा, तो हम एक सॉलिड बार लेंगे। यहाँ से वर्क पीस सेटअप में जाएगी, स्टॉक साइज में जाएगी, और हमें लेंथ कितनी चाहिए, तो यहाँ से हम 100 mm ले लेंगे। डायमीटर कितना चाहिए, तो 102 mm ले लें। ठीक है, और यहाँ से इनर डायमीटर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो ये आईडी पकड़ा नहीं है ओडी, तो हम ओडी में ही रहने देते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे। वर्क पीस लग चुका है चक में, अब हम इसका ऑफसेट लेंगे। तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ मित्रों, हमने कितने का डायमीटर लिया है, 102 mm का। ठीक है, और लेंथ इसकी कितनी है, 100 mm, और जेड कहाँ आता है, जेड हमेशा फेस में ही आता है। ओके मित्रों, फिर हम इसका ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट लेने के लिए मशीन ऑपरेटिंग में जाएंगे, यहाँ से रैपिड पोजीशन में जाएंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, ये हमारा मशीन अभी 102 mm के डायमीटर पे और लेंथ 0.0 पे आके रुक गया हुआ है। तो हम यहाँ टूल नंबर के साथ ऑप्शन दे देंगे, हमारा कितने नंबर का टूल अभी रुका हुआ है, तो एक नंबर का टूल है हमारा। यहाँ से जॉब में डालेंगे, यहाँ से मेजर टूल करेंगे। ओके, तो यहाँ से डायमीटर का ऑप्शन, एक्स का ऑप्शन ले लेंगे, उसके लिए यहाँ 102 mm डालेंगे। इनपुट सेट लेंथ एक्स, हमारा एक्स का ऑप्शन आ गया है। अब जेड का, तो जेड 0.0 कर दिए गए यहाँ। सेट लेंथ जेड, तो ये हमारा ऑफसेट हो चुका है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही।